नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। भागलपुर इन दिनों बिहार का डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और यह आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये 100 बेड का डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाया है, जहाँ पर लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो पहुँच रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। अभी अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन डेंगू वार्ड पहुँचे हैं और जो मरीज हैं मरीजों को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यदि पिछले कई दिनों की बात करें तो 300 से ऊपर अभी डेंगू के मरीज भागलपुर में पाए जा रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। हम सीधी तस्वीर आपको पहले डेंगू वार्ड की दिखाना चाहते हैं कि यह डेंगू वार्ड है और देख सकते हैं कि डेंगू वार्ड में किस तरह से जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है और लगातार जो यहाँ पर अस्पताल के अधीक्षक हैं वे भी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार जो डेंगू वार्ड है वहाँ जा रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से हाल समाचार जान रहे हैं, मरीजों से भी उनकी स्थिति के विषय में जानकारी ले रहे हैं। सीधे बात करेंगे शाहनवाज हुसैन से और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है क्या व्यवस्था उनको लग रहा है। सर, लगातार आप डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या देख? नहीं, बहुत व्यवस्था ठीक है और ये वार्ड डेडिकेटेड है और मेहनत कर रहे हैं सब। कुछ लोग नीचे भी थे तो उसको जगह की यहाँ भारी कमी है, एक अलग बिल्डिंग और बनानी चाहिए, कम से कम 500 बेड का यहाँ जरूरत है। और हॉट स्पॉट बनता जा रहा है भागलपुर, आपका कर्म क्षेत्र रहा है लगातार। भागलपुर में दिक्कत है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। भागलपुर हॉट स्पॉट बन गया है, भागलपुर के लोगों को इससे बचाने के लिए ऐसे टीम आ रही है, लेकिन पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, वार फुटिंग पे करना चाहिए। यहाँ के लोगों के इलाज की जो व्यवस्था है वो भी चरमराई, ज़मीन पर लेटा लेटा के इलाज हो रहा है। ऐसी कई तस्वीरें हमें यहाँ कुछ मीडिया पर्सन ने भेजी थी कि ज़मीन के ऊपर लेटा के मतलब बिस्तर तक नहीं मिल रहा। इसको कोरोना संकट से भी बड़ा संकट ये डेंगू बुखार का हो गया है। इसको लेके हम लोग प्रशासन से भी, हमने डीएम साहब से भी बात किया है, अस्पताल भी जाएंगे और इसका निदान जल्द हो इसके लिए कोशिश करेंगे। इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आवाम के साथ है। तो इस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन थे, जिन्होंने कहा है कि जो अस्पताल अधीक्षक हैं या अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर बेड बढ़ाया जाना चाहिए, 500 बेड का होना चाहिए अस्पताल में व्यवस्था कम से कम। अभी यहाँ पर 100 बेड है, लेकिन लगातार वे परिजनों से जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं भागलपुर के अलग अलग इलाकों से, यदि बात करें तो शहरी इलाके जहाँ तिलकामांझी का इलाका मुख्य रूप से प्रभावित है, जहाँ 200 से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं और जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़, भागलपुर।